दोस्तों स्वागत है आपका एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के फिक्स डिपॉजिट के लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट के बारे में, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग बैंक ऑफ बड़ौदा में भी एफडी करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप एक नॉर्मल पर्सन है तो यहाँ पे आपको बैंक ऑफ बड़ौदा के एफडी के ऊपर कितना इंटरेस्ट रेट मिल सकता है, और यहाँ पे अगर आप एक सीनियर सिटीजन है तो आपको कितना इंटरेस्ट रेट मिल सकता है, उसी को हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा में 7 डेज से लेकर 45 डेज का एफडी करवाते हैं तो यहाँ पे अगर आप एक नॉर्मल पर्सन है तो आपको 2.8% का इंटरेस्ट रेट मिल सकता है, और वहीं अगर आप एक सीनियर सिटीजन है तो यहाँ पे आपको 3.3% का इंटरेस्ट रेट मिल सकता है। इसी तरीके से यहाँ पे अगर आप 46 डेज से लेकर 180 डेज तक का एफडी करवाते हैं तो नॉर्मल पर्सन को 3.7% का इंटरेस्ट रेट, और यहाँ पे सीनियर सिटीजन को 4.2% का इंटरेस्ट रेट मिल सकता है। और यहाँ पे अगर आप 181 डेज से लेकर 270 डेज का एफडी करवाते हैं तो यहाँ पे नॉर्मल पर्सन को 4.3% का इंटरेस्ट रेट, और यहाँ पे जो सीनियर सिटीजन है उनको 4.8% का इंटरेस्ट रेट मिल सकता है। इसी तरीके से यहाँ पे अगर आप 271 डेज एंड उससे ज़्यादा समय का एफडी करवाते हैं लेकिन लेस देन 1 ईयर का एफडी करवाते हैं तो जो नॉर्मल पर्सन है उनको 4.4% का इंटरेस्ट रेट, और यहाँ पे जो सीनियर सिटीजन है उनको 4.9% का इंटरेस्ट रेट मिल सकता है। इसी तरीके से यहाँ पे अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा में 1 साल का एफडी करवाएंगे तो जो नॉर्मल पर्सन है उनको 5% का इंटरेस्ट रेट, और यहाँ पे जो सीनियर सिटीजन है उनको 5.5% का इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। यहाँ पे जो सीनियर सिटीजन है उनको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल पर्सन हर एक एफडी के ऊपर। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप 1 साल से ज़्यादा समय का एफडी करवाते हैं और अप टू 1 ईयर तक का एफडी करवाते हैं, यानी कि 1 साल से ज़्यादा समय लेकिन 2 साल तक का अगर आप एफडी करवाते हैं तो यहाँ पे अगर आप एक नॉर्मल पर्सन है तो आपको 5.45% तक का इंटरेस्ट रेट मिल सकता है, और यहाँ पे अगर आप एक सीनियर सिटीजन है तो आपको 5.95% तक का इंटरेस्ट रेट मिल सकता है। इसी तरीके से यहाँ पे अगर आप 2 साल से ज़्यादा समय का और अप टू 3 ईयर तक का एफडी करवाते हैं तो यहाँ पे नॉर्मल पर्सन को 5.5% का इंटरेस्ट रेट, और यहाँ पे जो सीनियर सिटीजन है उनको 6% का इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। और यहाँ पे अगर आप 3 साल से ज़्यादा समय का एफडी करवाते हैं और अप टू 5 ईयर तक का एफडी करवाते हैं, यानी कि 3 साल से ज़्यादा और 5 साल तक का एफडी करवाते हैं, तो जो नॉर्मल पर्सन है उनको 5.35% का इंटरेस्ट रेट, और यहाँ पे जो सीनियर सिटीजन है उनको 6% का इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। और यहाँ पे अगर आप 5 साल से ज़्यादा समय का और अप टू 10 ईयर तक का एफडी करवाते हैं तो यहाँ पे जो नॉर्मल पर्सन है उनको 5.35% का इंटरेस्ट रेट, और यहाँ पे जो सीनियर सिटीजन है उनको 6.35% तक का इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। तो यहाँ पे जो बैंक ऑफ बड़ौदा है उसका एफडी का ये जो लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट है वो मैंने आपको डिस्कस करके बता दिया। तो अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा में एफडी करवाना चाहते हैं तो ये इंटरेस्ट रेट है, तो आप देख सकते हैं कि आपको कितने समय के लिए यहाँ पे एफडी करना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे अगर आप एफडी वगैरह करना चाहते हैं तो आप जितने अमाउंट का भी एफडी करना चाहते हैं वो पूरा एक साथ में ना करें। फॉर एग्जांपल अगर आप 3 लाख रुपए का एफडी करना चाहते हैं तो 3 लाख रुपए का एफडी एक साथ में ही ना करें। यहाँ पे आप ये कर सकते हैं कि 1 से 1.5 लाख का एफडी आप अभी कर सकते हैं, और यहाँ पे कुछ पैसा जो आप एफडी में इन्वेस्ट करने वाले हैं उसको 3 से 6 महीने के गैप में करें, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि 3 से 6 महीने के अंदर एफडी का जो इंटरेस्ट रेट है वो और भी बढ़ सकता है। तो यहाँ पे अगर फ्यूचर में 3 से 6 महीने के अंदर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो यहाँ पे आप ज़्यादा इंटरेस्ट रेट को लॉक कर सकते हैं। तो इसके लिए आप जो भी अमाउंट एफडी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं कुछ पैसा अभी करें एंड कुछ पैसा 3 से 6 महीने के गैप में करें, तो इस तरीके से हो सकता है फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो उसका भी बेनिफिट आप ले सकते हैं।